नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2022 की शाम, समय यही कोई 5:30-6 बजे के आसपास का रहा होगा। जाड़े की शाम थी, वैसे भी जाड़ों में दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं। उस समय भी शाम हो चली थी और शाम के धुंधलके ने प्रयागराज हाईकोर्ट के पास स्थित पोलो ग्राउंड और सड़क को अंधेरे में घेर रखा था, क्योंकि यह सड़क वीआईपी है और लोगों का आवागमन लगा रहता है, खासकर सुबह और शाम को वॉक करने वालों का। उसी पोलो ग्राउंड में एक बहुत ही पुराना और गहरा कुआं भी है। ठंड के बावजूद उस पुराने कुएं से बदबू आ रही थी, जिसकी असहनीय दुर्गंध ने वॉक करने वालों और राहगीरों को अपने नाक पर रुमाल रखकर चलने पर मजबूर कर दिया था। किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर कुछ लोगों ने पोलो ग्राउंड का चक्कर लगाया कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि आर्मी एरिया में स्थित पोलो ग्राउंड बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है, इसलिए बदबू कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए लोग सबसे पहले कुएं के पास गए। कुआं मुख्य सड़क से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। सबसे पहले कुएं के पास ही लोग भाग गए। जैसे जैसे लोग कुएं के पास बढ़ते गए, बदबू उतनी ही तेजी से उनके नाक में घुस रही थी। शक होने पर वहां मौजूद एक वकील साहब ने फौरन 112 नंबर व संबंधित थाना सिविल लाइंस को सूचना दी कि कुएं से लगातार असहनीय दुर्गंध उठ रही है, जरूर उसमें किसी की लाश हो सकती है। हमेशा उस कुएं से लाश ही बरामद की गई है, इसलिए उसे मौत का कुआं ही कहते थे। इस बात में या ये कहने समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि उस कुएं में किसी का काम तमाम करके उसकी लाश फेंक दी गई है। सूचना मिलते ही प्रयागराज के थाना सिविल लाइंस की पुलिस और गश्ती गाड़ी पोलो ग्राउंड के अंदर घुसे और जब कुएं के अंदर झांका तो पाया कि एक सफेद रंग का बोरा उस कुएं में लगभग सूख चुका है। कुछ ही देर में SSP अजय कुमार और CO संतोष सिंह भी वहां पहुंच गए। कुआं काफी गहरा था। बोरे को निकालने के लिए इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कुएं के अंदर एक लंबी सीढ़ी डाली और अपने अपने मुंह ढककर उसके अंदर उतरे। जैसे तैसे बोरे को कुएं से बाहर लाया गया। उसे उठाने में जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बोरा काफी वजनी था। जब उस बोरे का मुंह खोला तो उसके अंदर एक युवती की लाश देखकर लोग दंग रह गए। अब जबकि बोरे को कुएं से निकाला जा चुका था तो उसमें से और भी तेजी के साथ दुर्गंध चारों तरफ फैलने लगी थी। युवती ने जीन्स टी शर्ट और पैरों में जूते पहन रखे थे। उसकी लाश देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसकी हत्या कोई एक हफ्ता पहले करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कुएं में फेंका गया होगा। पानी में पड़े पड़े उस युवती की लाश लगभग फूल चुकी थी, चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था। सिविल लाइंस पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त करने को कहा, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स उसे पहचान पाने में असमर्थ था। लड़की कौन थी, कहां की रहने वाली थी, ये सब जानने के लिए जब महिला पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। हां, मृतका की बाईं कलाई पर एक टैटू बना हुआ था और उस पर रवि नाम लिखा हुआ था। बहरहाल, लाश का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। SSP अजय कुमार ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए CO संतोष सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में थाना वीरेंद्र सिंह यादव, SSI इंद्रदत्त द्विवेदी, SI वजीउल्लाह खान, अरविंद कुमार कुशवाहा, कांस्टेबल राहुल कुमार गोला, राहुल कुमार, महिला कांस्टेबल इंदु आदि को शामिल किया। अगले दिन कुएं में मिली जवान युवती की लाश की खबर शहर के सभी अखबारों में छपी और साथ ही उसकी कलाई पर बने टैटू पर रवि नाम बुदे होने का जिक्र किया गया, तो पुलिस को उसकी शिनाख्त के लिए ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ी। प्रयागराज के ही थाना शिवकुटी के मोहल्ला शिलाखाना में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ने अगले दिन यानी 21 अप्रैल को जब अखबार में ये पढ़ा कि एक जवान युवती की डेड बॉडी पोलो ग्राउंड के अंदर पुराने कुएं से थाना सिविल लाइंस पुलिस ने बरामद की है, उसके हाथ पर बने टैटू पर रवि नाम लिखा हुआ है, तो वह थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव से मिले। वीरेंद्र यादव से उन्होंने डेड बॉडी देखने की इच्छा जाहिर की तो बिना एक पल गंवाए इंस्पेक्टर ने उन्हें अपने मातहतों के साथ पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। लाश के चेहरे से जब कफन हटाया गया तो उसके पिता और परिजन फफक कर रोने लगे। शव की शिनाख्त हो चुकी थी। मृतका का नाम शालिनी धुरिया उर्फ रोली था। उसके पिता राजेंद्र प्रसाद, माँ व भाई बहन ने उसे पहचान लिया।
घर वाले ये जानकर हैरान थे कि शालिनी तो गुड़गांव में नौकरी कर रही थी, तो प्रयागराज कब आ गई। शालिनी पूरे परिवार की लाडली थी। उसकी हत्या से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पेशे से ई रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद के चार बच्चों में सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा, उससे छोटी शालिनी उर्फ रोली व उससे छोटे भाई बहन अंकित और स्वाति थे। बहरहाल उसके अंतिम संस्कार के बाद घर वालों से, खासकर शालिनी के पिता से, जब ये पूछा गया कि उसकी कलाई पर जो रवि नाम लिखा हुआ है वह कौन है, शालिनी का उससे क्या संबंध है, शालिनी यहाँ से पहले कहाँ रहती थी, पुलिस को इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी था, तभी वह शालिनी के हत्यारों तक पहुंच सकती थी। पूछताछ के दौरान शालिनी के पिता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रवि उनकी बेटी का दोस्त है, उसका आपके घर भी आना जाना था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने पूछा। उन्होंने बताया कि शालिनी बहुत होनहार थी, वह राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्लेयर थी। परिवार की माली हालत को देखते हुए 2021 में दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वह नवंबर महीने में गुड़गांव चली गई थी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी थी। शालिनी ने LDC कॉलेज से मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ था। एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ उसे मार्केटिंग का भी अच्छा अनुभव था, इसलिए उसकी नौकरी लगने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली में शालिनी किराए का कमरा लेकर रहती थी। फरवरी में उसकी मकान मालकिन ने हमारे घर फोन कर जब पूछा कि शालिनी प्रयागराज पहुंची कि नहीं, तो हम सन रह गए, क्योंकि मकान मालकिन ने बताया कि शालिनी 13 फरवरी 2022 को ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गई थी। जब हम लोगों ने ये सुना तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शालिनी ने कुछ ही दिनों पहले फोन करके हमें बताया था कि वह अभी नहीं आ पाएगी, अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, होली के अवसर पर वह प्रयागराज आएगी। मकान मालकिन के अनुसार उसे अब तक दिल्ली वापस आ जाना चाहिए था, तभी से हम लोग परेशान थे। इसके बाद उसके मोबाइल पर कई बार कॉल की, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ मिला। जब शालिनी की मकान मालकिन ने हमें बताया कि वह कहकर निकली थी कि प्रयागराज अपने घर जा रही है और 2 से 4 दिन में वापस आ जाएगी, तभी किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर बिना पुलिस को सूचना दिए उसकी खोजबीन कर रहे थे। उसकी तलाश में शालिनी का प्रेमी रवि भी साथ साथ रात दिन उनके साथ एक किए हुए था। शालिनी का मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ था, जिससे हमारी परेशानी और भी बढ़ गई थी। पूरा परिवार उसकी चिंता कर रहा था, और जब वह हमें मिली भी तो लाश के रूप में, इतना कहकर राजेंद्र प्रसाद रोने लगे। राजेंद्र प्रसाद से रवि के खिलाफ तहरीर लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगे की कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस थाना पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शालिनी का प्रेमी, जो कि रेलवे स्टाफ क्वार्टर की लोको कॉलोनी में अपने बड़े भाई के साथ रहता था, उस समय वह थाने में ही मौजूद था। शालिनी के परिवार के साथ उसकी खोजबीन का नाटक वह शुरू से ही कर रहा था। रवि ठाकुर को फौरन पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में उसने पुलिस को काफी बहकाने और भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने शालिनी धुरिया को मारकर बोरे में भरकर कुएं में फेंकने से लेकर सभी जुर्म स्वीकार कर लिए। वैलेंटाइंस डे पर मिलने इतनी दूर से आई शालिनी की हत्या की जो कहानी सामने उभर कर आई वह इस प्रकार निकली। शालिनी धुरिया उर्फ रोली और उसका प्रेमी रवि ठाकुर दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। शालिनी के कोच अनिल सोनकर ने बताया कि शालिनी जब महज 6-7 साल की थी, तभी से उसका रुझान फुटबॉल की तरफ था। सदर बाजार फुटबॉल ग्राउंड में वह फुटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। शालिनी एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी थी, गजब का स्टेमिना था उसके अंदर, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी वह। तपती दोपहर में भी वह बड़ी ही मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इतने बड़े फुटबॉल मैदान में अकेले दम पर बाउंड्री पर चूने का छिड़काव करती थी। अपनी मेहनत और लगन से शालिनी धुरिया ने महिला फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में बेहतरीन खिलाड़ी की छवि बना ली थी। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेट व नेशनल लेवल पर शालिनी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में बल्कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों व जिलों में प्रयागराज जिले का तो नाम रोशन किया ही, साथ ही सदर बाजार फुटबॉल एकेडमी का भी परचम फहराया था। शालिनी ने खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी थी और गंगापा इलाके से BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम में नवंबर 2021 से जॉब करने लगी थी। खेल के दौरान ही शालिनी को रवि ठाकुर नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से प्यार हो गया था। रवि मूल रूप से बिहार के जिला जहानाबाद के गांव मकदुमपुर का रहने वाला था। उसके पिता दिनेश सिंह रेलवे में नौकरी करते थे।
उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में ही थी, इसलिए सिविल लाइंस की रेलवे कॉलोनी में उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था। उन्होंने करीब 5-6 साल पहले VRS ले लिया और अपनी जगह अपने बड़े बेटे दिनेश ठाकुर को नौकरी पर लगवा दिया था। रवि इलाहाबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल अकेडमी का होनहार खिलाड़ी था। वह स्कूल नेशनल से अंडर 17 के तहत सीनियर स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ी भी रहा है। खेल के साथ वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA सेकंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा था। शालिनी और रवि की प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 7-8 साल पहले खेल के दौरान मैदान में हुई थी। दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए प्रेम परवान चढ़ने में समय नहीं लगा। दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय था। खेल के बहाने रोज मुलाकात स्वाभाविक थी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में दोनों के ही परिजन भलीभांति परिचित थे। शालिनी तो रवि के प्यार में ऐसी दीवानी हो गई थी कि उसने अपने हाथ पर प्रेमी रवि का नाम तक गुदवा लिया था। इस तरह इनका प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन एक दिन रवि की थोड़ी सी गलतफहमी ने सब कुछ उजाड़ दिया। जब रवि को हिरासत में लिया तो पूछताछ करने पर रवि ने पुलिस को बताया, हाँ सर, मैंने उस चुड़ैल को मर दिया है। वह थी ही इसी लायक, मेरी सच्ची मोहब्बत का उसने गलत फायदा उठाया था, बेवफा कहीं की। मोहब्बत तो बेपनाह मैं उससे करता था और उसके मर जाने के बाद भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसके बिगड़ेल रवें और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की चाह ने मुझे उसे मारने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके थप्पड़ से मैं इतना आहत हो गया था कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, रोक नहीं सका खुद को। और रवि पुलिस को बताते बताते अतीत के झरोखे में चला गया। उसने बताया कि अभी हफ्ता भर पहले की ही बात है, उसने मुझे फोन करके कहा कि वह मुझसे वैलेंटाइंस डे पर मिलने प्रयागराज आ रही है। मैंने उससे चाहते हुए पूछा, सच बताओ रोली, शालिनी को रवि प्यार से रोली कहता था, मजाक मत करो, क्या सच में तुम मुझसे मिलने वैलेंटाइंस डे पर प्रयागराज आओगी? इतने दिनों बाद तुमने फोन किया है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तुमसे बात हो रही है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी रोली ही हूँ और तुम ही से बात कर रही हूँ, तुम किसी भूत या चुड़ैल से बात नहीं कर रहे हो। यकीन नहीं आ रहा तो अपने कान में कसकर चिकोटी काट कर देखो, पता चल जाएगा। इतना कहकर शालिनी बात करते करते हंसने लगी, हाँ हाँ चलो, यकीन हो गया। अच्छा अब ये बताओ कि गुड़गांव से तुम आ कब रही हो, रवि ने उत्सुकता से पूछा। सुनो, मैं 14 फरवरी को प्रयागराज पहुंच जाऊंगी, उस दिन हम दोनों खूब मौज मस्ती और सैर सपाटा करेंगे, उसके बाद मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी, शालिनी ने कहा। क्यों, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? अरे नहीं बाबा, और यह बात तुम मेरे घर पर पापा या दीदी किसी से भी नहीं बताना, क्योंकि मैंने पापा से पहले ही कह रखा है कि मैं होली पर घर आऊंगी, मुझे इधर छुट्टी नहीं मिल रही है, समझे? शालिनी ने बताया। हाँ समझा, ठीक है, मुझे तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है, रवि बोला। इसके बाद हम दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। अंततः वह घड़ी भी आ गई जब 14 फरवरी की शाम शालिनी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसके आने से पहले ही रवि ने 10,000 रुपए का मोबाइल बतौर सरप्राइज गिफ्ट खरीद रखा था। वह शालिनी को वैलेंटाइंस डे पर मोबाइल उपहार में देना चाहता था ताकि उसकी प्रेमिका का प्यार और ज्यादा बढ़े। 14 फरवरी को तय समय पर शालिनी का प्रेमी रवि ठाकुर स्टेशन पहुंचा, उसे बाइक पर बिठाया और सीधे रेलवे स्टाफ की लोको कॉलोनी स्थित अपने आवास पर ले आया। यहाँ गौरतलब है कि शालिनी धुरिया को 13 फरवरी को ही प्रयागराज आना था, लेकिन ट्रेन मिस हो जाने के कारण वह 14 फरवरी को वहां पहुंची थी। बहरहाल जब रवि उसे लेकर अपने कमरे पर पहुंचा तो उस समय उसके घर वाले TV देख रहे थे। शालिनी फ्रेश होने चली गई। जब वह फ्रेश हो रही थी तो रवि ने शक के आधार पर उसका मोबाइल चेक किया। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका दिल्ली जाकर बदल गई है, उसके कई लोगों के साथ संबंध बन गए होंगे। मोबाइल की गैलरी में फोटो में शालिनी कई लड़कों के साथ स्टाइल में दिखी। फिर क्या था, रवि को उस पर गहरा शक हो गया। शालिनी जब बाथरूम से निकली तो रवि ने उससे पूछा, रोली तू दिल्ली जाकर बहुत बदल गई है, बेवफा है तू, अब तू पहले वाली रोली नहीं रही, जुबान संभाल कर बात करो रवि, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार न करती तो इतनी दूर तुमसे मिलने नहीं आती, अपनी औकात में रह कर बात करो, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? अरे छिनाल, शर्म कर जरा, सबूत है तेरा ये मोबाइल, इसमें तेरे यारों के साथ खिंचवाई गई फोटो, रवि गुस्से में बोला। क्या कहा छिनाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? एक बार नहीं 100 बार कहूंगा मादर, कहीं कहीं
रवि ने उसे गाली दी। अब शालिनी से सहा नहीं गया, उसने एक जोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर जड़ दिया। रवि तिलमिला उठा, गुस्से में गाली देते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत की मुझे थप्पड़ मारा। शालिनी भी आपे से बाहर थी, और नहीं तो क्या तेरी पूजा करूं? मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूं, मेरा सभी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना है, तो सब क्या मेरे यार हो गए? मैं पागल हूं जो इतनी दूर तुझसे मिलने यहां आई। पता नहीं किस किस को बयाना दे रखा होगा तूने, कौन जाने क्या खेल खेल रही है मेरे साथ फुटबॉल की तरह। रवि का इतना कहना था कि शालिनी ने फिर उसे झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच ठेठ इलाहाबादी बोली में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। रवि ठाकुर ने उसे मार दिया, अब उसे लाश ठिकाने लगानी थी, पोलो ग्राउंड वाले पुराने कुएं में फेंकाया। सब कुछ अकेले ही कर डाला उसने और किसी को पता तक नहीं चला। सेना की गश्ती गाड़ी, QRT और हाईकोर्ट पर हमेशा चेकिंग में लगे रहने वाले पुलिस के जवान सभी नदारद रहे उस समय। न शालिनी की लड़ाई झगड़े के दौरान किसी ने चीखें सुनी, जबकि पीछे वाले कमरे में रवि के घर वाले मौजूद थे, उन्हें भी इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। सवाल बहुत हैं मगर कोई फायदा नहीं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने रवि की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोबाइल और आला कतल बरामद कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप किसी के साथ गलत काम करोगे तो आप कितना भी शातिर क्यों न रह जाए, एक न एक दिन आप पकड़ा ही जाओगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।